दोनों ही अतियों से व्यक्ति को बचना चाहिए। तब उन पांच परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा कि आपने जो मध्यम मार्ग खोजा है इसका क्या अर्थ है? मध्यम मार्ग क्या है, या यूं बताएं कि आपने क्या खोजा है, उसका जीवन कल्याण से क्या संबंध है? तब बुद्ध कहते हैं, हे परिव्राजको, मैंने जो कल्याण का पथ खोजा है, मैंने जो जीवन कल्याण का मार्ग खोजा है, उस मार्ग में जो सबसे पहली बात है वो समझने की है, वो ये कि मेरे द्वारा खोजे गए मार्ग में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। आत्मा और परमात्मा जैसे विषय से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने कहा कि सधम के सिद्धांत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, पैदा होने से पहले क्या था, और मेरे धर्म के सिद्धांत में किसी प्रकार की कर्म कांडों की कोई स्थान नहीं है। तो ये बात हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना, इसको जानना। अभी तक अधिकांश लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हमने जाने किस योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, कोई तो है जो सृष्टि को चलाता है, कोई तो है जिसे परमपिता परमात्मा कहते हैं, उसी का एक अंश है जिसे हम आत्मा कहते हैं। परमात्मा एक बड़ा स्वरूप है, आत्मा उसका छोटा स्वरूप है, और वही छोटा स्वरूप हमारे अंदर है, इसलिए आत्मा है सो परमात्मा है, परमात्मा है सो आत्मा है, हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। अधिकांश लोग जो अपने आप को धर्म का ज्ञाता कहते हैं वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, और ये कहकर के वे हमें भी गौरवान्वित करने की कोशिश करते हैं और खुद भी गौरवान्वित होते हैं कि हम परमात्मा के कितने निकट हैं। परमात्मा का अंश का नाम ही आत्मा है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, और हम सब उस आत्मा के हिस्से हैं। हर व्यक्ति में एक आत्मा है, वो ना मरती है ना पैदा होती है, बस वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। न जाने जो आत्मा आज हमारे अंदर है कितने प्राणियों से होती हुई आई है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो धारणाएं हैं, आत्मा को लेकर के धारणाएं हैं, परमात्मा को लेकर धारणाएं हैं, पूर्व जन्म की धारणाएं हैं, अगले जन्म की धारणाएं हैं, आत्मा मरती है या नहीं मरती है, अजर है या अमर है, नहीं है, क्या होता है। बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों का मेरे धर्म से कोई संबंध नहीं है। आत्मा और परमात्मा जैसे विषय जो भ्रमित करने वाले दृष्टिकोण है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, इस प्रकार के भ्रमित दृष्टिकोण का मेरे सधम में कोई स्थान नहीं है। तो यहां ये बात सुस्पष्ट हो जाती है कि जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए हम आत्मा और परमात्मा से मुक्त होकर के बात करते हैं। इस बात पर कोई चर्चा नहीं करते कि आत्मा अजर है या अमर है, इस बात पर भी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि आत्मा छोटी या बड़ी है, इस बात की भी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए कि आत्मा और परमात्मा एक ही स्वरूप है, एक बड़ा स्वरूप है तो एक छोटा स्वरूप है। बुद्ध कहते हैं सारे ही भ्रमित दृष्टिकोण है मेरे सधर्म में जो मैंने खोज किया है, इसमें इस प्रकार के किसी भी चर्चा की, किसी भी संभावना की कोई भी जगह नहीं है, और इसके साथ साथ किसी प्रकार का भी कर्म कांड नहीं है। जैसे जो लोग रूढ़िवादी धर्म में हैं,
इस प्रकार की धारणाओं में जीते हैं। अगर हमने कोई पाप कर्म किया तो कुछ कर्म कांड कर ले, पाप कर्म किया है तो धोने के लिए कुछ यत्न कर ले, कोई गंगा स्नान को जाता है तो कुंभ के मेले में डुबकी लगाता है, कोई कहीं जहां जा जिसकी मान्यता है वो वहां जाकर के पाप से मुक्त होने की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध इसमें स्पष्ट है, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप पाप करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों से मुक्त करवा दूंगा, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। बुद्धिज्म में तो पाप धोने की कोई मार्ग ही नहीं है। बुद्ध ने कहा कि कुशल कर्म करोगे तो सुख पाओगे, अकुशल कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। अकुशल कर्म का संपादन सुख का मार्ग है और अकुशल कर्मों का संपादन दुख का मार्ग है। ये चुनाव आपको ही करना है, खुद को करना है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। तो बुद्ध ने जो कहा कि मेरे धम्म में कोई कर्मकांड नहीं है, कर्मकांड इसीलिए नहीं है कि यहां पाप को धोने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगर पाप को धोने का प्रयोजन होता तो कर्मकांड शुरू हो जाता। इसलिए धम्म में कोई पाप धोने का प्रयोजन नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना बीच में दे रहा हूं समझाने के मकसद से। पूर्णा नाम की एक भिक्खुणी बनी, अनाथ पिंडक का नाम आपने सुना होगा, अनाथ पिंडक की दासी का नाम पूर्णा था। यद्यपि वह अनपढ़ थी लेकिन समझदार थी। अनाथ पिंडक की सेवा करते करते, अनाथ पिंडक चूंकि बुद्ध का प्रिय शिष्य था, बुद्ध की सेवा में रत रहता था, तो पुन्ना को भी धम्म का सानिध्य मिला, बुद्ध का सानिध्य मिला, और उसने भी धम्म में बड़ी प्रगति की। अनाथ पिंडक की मृत्यु के पश्चात पुन्ना जो है भिक्खुणी बन गई, और भिक्खुणी भी बहुत विद्वान और श्रेष्ठ भिक्खुणी बनी। एक दिन वह भी नदी पर गई थी, उन दिनों नहाने धोने का काम नदी पर ही होता था। नदी के अंदर एक ब्राह्मण पुरोहित था, डुबकी लगा रहा था, बार बार डुबकी लगा रहा था। तब भिक्खुणी पुन्ना ने पूछ ही लिया कि हे ब्राह्मण, तुम ये डुबकियां पर डुबकी क्यों लगाए जा रहे हो? इस प्रकार से डुबकी लगाने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं डुबकी इसलिए लगा रहा हूं कि डुबकी लगाने से मेरे द्वारा किए गए पाप धुल जाते हैं, तो जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुए हैं उनको धोने के मकसद से ही मैं डुबकी लगा रहा हूं। तब पूर्णा ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि डुबकी लगाने से पाप कर्म धुल जाते हैं? अगर डुबकी लगाने से पाप कर्म धुल जाते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारे जो पुण्य कर्म है वो भी धुल गए होंगे। जब पाप कर्म धुल सकते हैं तो पुण्य भी धुल जाते होंगे, तो फिर तुम्हारे किए और ना किए का कोई अर्थ नहीं रहता है। फिर पुना ने कहा, हे ब्राह्मण, अगर डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, चित निर्मल हो जाता है, तो फिर इस नदी में रहने वाली मछलियां, झिंगूर, मेंढक, कछुए, वे तुमसे ज्यादा पवित्र हैं। तुम तो गिन करके 5-10 डुबकियां लगाते हो, वो तो सारी उम्र ही डुबकी लगाते रहते हैं। इसका मतलब उनकी निर्मलता के सामने तुम्हारे चित्त की निर्मलता का कोई भी अर्थ नहीं है। आपसे ज्यादा तो एक मेंढक डुबकी लगाता है, आपसे ज्यादा तो एक मछली डुबकी लगाती है, आपसे ज्यादा तो कछुए डुबकी लगाते हैं। तो फिर इस प्रकार की
जो मान्यता है, डुबकी लगाने की मान्यता है, ये बौद्धों की मान्यता नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं है जिसके करने से आपके अकुशल कर्म, बुरे कर्म धुल जाएं। तो ये बुद्ध का धर्म कर्म कांडों से दूर है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने खोजा है उस धर्म के दो आधार स्तंभ है। पहला आधार स्तंभ तो है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना। यहां इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, जब हम धर्म की बात करते हैं तो वह नितांत व्यक्तिगत बात होती है। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरा कोई धर्म है, मैं किसमें विश्वास करता हूं, किसकी पूजा करता हूं, किसकी नहीं करता हूं, नितांत व्यक्तिगत है, तो मैं धर्म का आदमी हो गया। और अगर हम जब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, तो उसमें व्यक्तिगत भाव नहीं रहा। मेरे दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे संबंध है? अगर ये संबंध हमारे अच्छे हैं, दो लोगों के बीच में अच्छे संबंध हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें सुख मिलेगा। अगर संबंध बुरे हैं तो फिर दुख मिलेगा। तो बुद्ध ने जो खोज के निकाला, जिसे धम्म का नाम दिया, उसके सुख के आधार में संबंध है। दो व्यक्तियों के बीच के संबंध में सुख है, दुख है। अगर दो लोगों के बीच में संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा, अगर संबंध बुरा है तो दुख मिलेगा। तो संबंध जो है ये अति महत्वपूर्ण है और यही धर्म का आधार है। दूसरा आधार बुद्ध ने कहा कि जो मैंने खोजा है कि व्यक्ति के जीवन में दुख है, उस व्यक्ति को दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग बताना, उसके जीवन के दुखों को दूर करना और जीवन को सुखी बनाना ही मेरे धम्म का दूसरा आधार है। तो यहां जो बात स्पष्ट हुई, बुद्ध ने जिस सद्धम्म की खोज की उसके दो आधार हो गए। पहला आधार तो दो व्यक्तियों के बीच के संबंध का आधार है और दूसरा आधार है कि जो दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग है, जीवन में जो दुख है उनसे कैसे बचा जाए, उनका निराकरण कैसे किया जाए और सुख कैसे पाया जाए। बुद्ध कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में सभी प्राणी दुखी हैं और इसी दुख के कारण वे दरिद्रता का, कष्ट का जीवन जी रहे हैं। संसार दुखों से भरा पड़ा है। इस धर्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार को दुखों से कैसे दूर किया जाए, यानी कि दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के अतिरिक्त मेरे सधर्म में कुछ और नहीं है। तो ये बात हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि हमें दुखों से मुक्ति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, तो फिर इस सधर्म को समझना ही पड़ेगा। और बुद्ध ने कितना स्पष्ट कहा, इसमें बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैंने खोज लिया है कि मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, तुम्हारा अगला जन्म कहाँ होगा, किस योनि में जन्म होगा। बुद्ध की खोज का इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है। बुद्ध की खोज में ये सब बातों का कोई प्रयोजन नहीं है। बुद्ध का प्रयोजन दो व्यक्तियों के बीच में अच्छे संबंध से है। बुद्ध का प्रयोजन जो दुख है, दुख के कारण है, उनसे निवारण के मार्ग पर जाना है ताकि व्यक्ति का जीवन सुखी हो सके। बुद्ध कहते हैं कि धम्म में यही तो आधार है।
इसके अतिरिक्त इस बात का कोई औचित्य नहीं है। मेरा धम्म इसके अलावा किसी और बात को स्वीकार नहीं करता है। हे परिव्राजको, वास्तव में जो श्रवण है, धम्मपदेशक है, उसके सामने संसार को दुखों से मुक्त करने का ही लक्ष्य रहता है। उसके जीवन की जो समस्याएं हैं वो सब दुख के कारण ही हैं। इसलिए हमें जीवन से दुख को दूर कैसे करना है, इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस वार्तालाप के दौरान प्रिय्वरजकों ने कहा कि हे तथागत, फिर आपने वो कौन सा मार्ग खोजा है, किस मार्ग पर चलकर के व्यक्ति अपने जीवन के दुखों को समाप्त कर सकता है। अब ये प्रश्न भले ही प्रिय्वरजकों ने बुद्ध से पूछा, लेकिन ये हमारे लिए ही कल्याण के पथ को प्रशस्त करता है। बुद्ध कहते हैं कि इसके लिए, दुख का नाश करने के लिए व्यक्ति को तीन मार्ग पर चलना चाहिए। पहला मार्ग तो है पवित्रता का पथ, कि जो व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, सुख की कामना करता है, उसे पवित्रता के पथ पर चलना चाहिए। चित्त की निर्मलता के पथ पर चलना चाहिए। मैं पवित्रता या निर्मलता की जो बात कर रहा हूं, इसका अर्थ है कि वे बातें जिनके आचरण में उतारने से हमारा जीवन सुखी बनता है, श्रेष्ठ बनता है और जीवन मूल्यवान हो जाता है। जैसे जो व्यक्ति पांच सीलों का पालन करता है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है, उसके मन में करुणा और मैत्री पैदा होती है। क्या पंखा? तो ये भाव जो है, हमें निर्मलता के पथ पर चलना चाहिए। जब हम निर्मलता के पथ पर चलते हैं, तब जीवन का कल्याण कर पाते हैं। दूसरा, बुद्ध कहते हैं हमें धम्मप्राणता के पथ पर चलना चाहिए। धम्मप्राणता के पथ का अर्थ है अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। दो अतियों के बीच का जो मार्ग है, जिसमें आठ चरण है, जिसमें तीन प्रमुख बातें हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा जो है उसमें दो बातें हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, कि व्यक्ति की दृष्टि किस प्रकार से सम्यक हो जाए, सम्यक का अर्थ है कि ठीक हो जाए, और दृष्टि सम्यक होने के बाद उसके संकल्प सम्यक हो जाए, यानी कि प्रयत्न सम्यक हो जाए। इसके बाद सील में प्रवेश करते हैं। सील में है वाणी सम्यक हो, व्यवहार सम्यक हो और आजीविका सम्यक हो, और उसके बाद है समाधि का मार्ग। समाधि का अर्थ है कि चित्त की निर्मल अवस्था का नाम समाधि है। समाधि का अर्थ है कि सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, कि किस प्रकार से हम अपने मन के विकारों को दूर करें, अच्छे विचारों का संवर्धन करें, किस प्रकार से हम सजगता का अभ्यास करें और किस प्रकार पांच बाधाओं को पार करके हम समाधि में स्थित हो जाएं। जो व्यक्ति मध्यम मार्ग का जीवन जीता है, उसके लिए निर्वाण का द्वार खुल जाता है। इसके लिए तीसरा चरण पूरा करना होता है, और तीसरा चरण है सील मार्ग। सील मार्ग का मतलब है पारमिताओं का मार्ग। दस पारमिताएं हैं। जो व्यक्ति पारमिताओं का अभ्यास करता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है,
और निर्वाण की प्राप्ति होती है। फिर तीन बातें दुख मुक्ति के लिए है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। पहला है पवित्रता का पथ, दूसरा है धर्म प्राणता का पथ और तीसरा है सील पथ, सील मार्ग। सील मार्ग का मतलब है जो 10 पारमिताएं हैं उनमें पारंगत होने का भाव, तो यानी कि हमें सील संपन्न होना चाहिए। निर्मलता का पथ का मतलब है 5 सीलों का पालन करना। धर्म प्राणता के पथ का अर्थ है अष्टांगिक मार्ग का पालन करना और सील मार्ग का अर्थ है कि 10 पारमिताओं को आचरण में उतारना। तो प्रबुद्ध उपासक पासिकाओं, ये जो 3 मार्ग बुद्ध ने दिए यही इस धम्म ग्रंथ का प्रमुख आधार है। और आप देखेंगे धम्म का अध्ययन करते करते बुद्ध की सारी सारी जो खोज है वो जीवन के मूल्यों को श्रेष्ठ स्वरूप देने का है, आचरण को श्रेष्ठ बनाने के भाव से है, जीवन को सील संपन्न बनाए रखते हुए मध्यम मार्ग का अभ्यास करने का है। और मध्यम मार्ग के अभ्यास का मतलब है कि ना शरीर को ढीला छोड़ना है, ना शरीर को ज्यादा कष्ट देना है, इतना इतना शरीर को साधना है कि 2 अतियों के बीच में जीवन चलने लगे और चलते चलते निर्वाण का द्वार खुल जाए, परम सुख का द्वार खुल जाए। तो प्रभु उपासक पासिकाओं, आज तो मैंने केवल धम्मचक्र पवत्तनाय की उस भूमिका को बताया है जिस भूमिका के बारे में 5 परिव्राजक जानने को उत्सुक थे। तो ये जो 3 बातें हैं हमें ध्यान में रखनी है। इससे पहले हमें ध्यान रखना है कि आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं है। सदम दुख मुक्ति के मार्ग का नाम है और दुख मुक्ति के मार्ग में हमें अपना कल्याण देखना है। 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध अच्छा हो जाए और प्रत्येक दुखी व्यक्ति को सुख प्राप्ति का मार्ग मिल जाए, यही इस धम्मचक्र पवत्तनाय का उद्देश्य था। और बुद्ध ने 5 परिव्रजकों को समझाते हुए उनको ये बात ठीक से समझा दी गई कि जो मैंने काया क्लेश का मार्ग छोड़ा था वह पथ से भ्रष्ट होना नहीं था, बल्कि जो मार्ग मंजिल की ओर नहीं जा रहा उसे समझ में आने के बाद छोड़ ही देना चाहिए, अन्यथा तो हम एक फॉल्स इल्यूजन में जीवन जीने लगेंगे, झूठी शान और शौकत का जीवन जीने लगेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं 5 परिव्राजकों के साथ जो बुद्ध का वार्तालाप हुआ वह वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को अभ्यास करना है। ये बात तो हम धम्मचक्र पवत्तनाय के दिन बताएंगे, लेकिन मैं इसकी भूमिका बनाते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो बातें आज मैंने बताई हैं ये बातें आप भी लोगों को बताने में सक्षम हो जाओ। तो ये सहमति की घोषणा के बाद इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस रविवार को तो आपको नहीं करना है, इस रविवार को तो सहमति की घोषणा ही करनी है, लेकिन उसके बाद आप सबको पारंगत होना होगा धम्मचक्र पवत्तनाय के विषय पर लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप इस विषय को ठीक से समझ पाए होंगे। कल फिर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि निर्मलता का पथ क्या है, धम्म प्राणता का पथ क्या है और सील मार्ग क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सम्मा, भवतु सम्मा, भवतु सम्मा।